इस दुनिया में लोगों को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, गेस करो क्या। अब आप कहोगे पाई भाई एक नहीं, हमें तो बहुत चीजें चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें इज्जत चाहिए। लेकिन दोस्तों ये सब भी एक ही चीज के अंदर आते हैं, वो चीज है सक्सेस। आजकल के जमाने में सबको सक्सेस चाहिए, लेकिन ये बात आपको भी पता है कि इस दुनिया में 99% लोग कभी सक्सेसफुल बन ही नहीं पाते। ओनली 1% पीपल ही वो होते हैं जो सक्सेसफुल कहलाते हैं, और आप हमेशा यही सोचते रह जाते हैं कि हम सक्सेसफुल कैसे बने। लेकिन दोस्तों क्या आपको ये पता है कि एक अनसक्सेसफुल आदमी और एक सक्सेसफुल आदमी के बीच में क्या फर्क होता है। अगर आप किसी अनसक्सेसफुल आदमी से बात करें तो हमेशा यही कहेगा, मैंने ट्राई तो बहुत की लेकिन कभी सक्सेस मेरे हाथ में आई ही नहीं, शायद वो मेरे लिए बनी ही नहीं थी। लेकिन अगर आप एक सक्सेसफुल आदमी से बात करें तो यही कहेगा कि कभी हार मत मानो, लगातार मेहनत करते रहो और एक दिन सक्सेस तुम्हारे हाथ में होगी। क्या आपको पता है इन दोनों आदमियों के बीच में क्या फर्क है? इन दोनों के बीच में एक छोटा सा ही फर्क है, वो ये है कि जो अनसक्सेसफुल आदमी था उसने हमेशा सक्सेसफुल बनने के लिए काम किया, लेकिन एक सक्सेसफुल आदमी ने वो किया जिसमें उसे इंटरेस्ट था। अरे भाई स्पाई क्या बता रहा है, ये तो हमें पता है, कुछ और बताना, तूने तो हमारे 2 मिनट बर्बाद कर दिए। तो दोस्तों आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको सक्सेस का मतलब गलत बताया गया और आप आज तक सक्सेस का गलत मतलब ही समझते आ रहे हो। मैं आपसे पूछता हूँ सक्सेस का क्या मतलब है, बताओ क्या मतलब होता है सक्सेस का। आप कहोगे जब हम किसी फील्ड में बहुत ही अच्छा काम करें, बहुत ही मेहनत करें और उधर से में बहुत पैसे आए और लोग हमें जानने लगे तो वही सक्सेस होती है, राइट? पर ये पूरा सच नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ, एक तरफ एक बच्चा है जो 10th क्लास फेल है और एक तरफ एक बच्चा है जिसने 10th क्लास टॉप की थी, बताइए क्या लगता है आपको इन दोनों में से किस बच्चे का फ्यूचर ब्राइट है, कौन सक्सेसफुल बन सकता है? 90% लोग यही कहेंगे कि जिस बच्चे ने 10th क्लास में टॉप किया सीधी सीधी बात है वही सक्सेसफुल बनेगा। मगर बिल गेट्स भी एक बार काफी सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो गए थे, वहीं उन्हीं के दोस्त उन्हीं सब्जेक्ट्स में टॉप किए थे, लेकिन आज बिल गेट्स जिस कंपनी के मालिक हैं उसी कंपनी में वो आदमी काम करता है जिसने 10th में टॉप किया था। मार्क्स कैन डिसाइड योर फ्यूचर, लेकिन जो मार्क्स आपको नॉलेज से मिली हो वो आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। तो अब आप कहोगे भाई स्पाई कहना क्या चाहता है, थोड़ा खुल के बोल, थोड़ा समझा। तो मैं आपको दरअसल बता ये रहा था कि सक्सेस असल में क्या है और जो सक्सेसफुल बनते हैं वो कैसे बनते हैं। दोस्तों इस दुनिया में किसी की भी मोटिवेशनल वीडियो आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकती, लेकिन जो आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं ना वो हो आप खुद। कैसे कैसे बना जाता है सक्सेसफुल? हम क्यों नहीं कभी सक्सेस कर पाते, दूसरे क्यों कर देते हैं? क्योंकि शायद आपने कभी ये समझा ही नहीं कि सक्सेस क्या होती है। सक्सेस एक रोड है जो बहुत लंबी है, आप उस पर एक पॉइंट मार्क करते हो, कहते हो यही है सक्सेस। जब आप वहाँ पे पहुँचते हो तो आपको पता लगता है अरे भाई आगे तो और भी बड़ा रास्ता पड़ा है, आप आगे और एक पॉइंट मार्क करते हो काफी दूर, आप वहाँ मेहनत करके पहुँचते हो, आपको पता लगता है अरे आगे तो और भी बड़ा रास्ता पड़ा है, आप और मेहनत करते हो और आगे पहुँचते हो तो आपको क्या पता लगता है रास्ता तो और पड़ा है। जी मेरे भाई यही है सक्सेस। सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं कि आपने पॉइंट मार्क किया आप पहुंच गए वहां पे आप सक्सेसफुल हो गए, नहीं, सक्सेस तो एक जर्नी है जहां पे आप जितनी मर्जी दूर चले जाओ आप कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। सक्सेस जो वर्ड है वो यूज ही दूसरों द्वारा किया जाता है आपके लिए, कब? तब जब उन्हें ये लगता है कि ये बंदा मेरी ही फील्ड में मुझसे आगे निकल गया, तब कहते हैं वो ये बंदा बन गया सक्सेसफुल। आपने कभी देखा है कि किसी सक्सेसफुल बंदे ने कभी खुद को कहा कि मैं सक्सेसफुल बन गया? नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये वर्ड ही दूसरों के लिए यूज किया जाता है। यानी अगर आप सक्सेस पाने के लिए मेहनत करने की सोच रहे हो तो आप डायरेक्टली लालच रखते हो उन पैसों का, उन इज्जत का, उन शोहरत का। लेकिन कई ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में जो सक्सेसफुल कहलाने के लिए मेहनत नहीं करते, बल्कि उनका इंटरेस्ट ही उस काम में होता है, इसलिए अपनी पूरी जिंदगी उस काम में लगा देते हैं। इसका एग्जाम्पल मुझे देने की जरूरत नहीं, अल्बर्ट आइंस्टाइन पेटेंट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करते हुए भी उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशंस को सॉल्व किया, इतने सालों लगा दिए उस इक्वेशन को बनाने में,
वो उस समय किसी के अंडर काम नहीं करते थे, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी क्वेश्चंस बनाने की, इतनी ज़्यादा मेहनत करने की, लेकिन उनका इंटरेस्ट था उस फील्ड में, इसलिए उन्होंने आज अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पूरी दुनिया बदल दी। अगर आप ये सोचते हो कि दूसरे ही सब कुछ कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। और अगर आप ये सोचते हो कि इस दुनिया में अब जो मैं करूंगा वैसा कोई नहीं किया होगा, तो आपसे ज्यादा महान बनने वाला कोई नहीं होगा। बस इस बात को समझना है, एक सक्सेसफुल बंदा हमेशा उस चीज में काम करेगा जिसमें उसका इंटरेस्ट है। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि आपको किस में इंटरेस्ट है? बिल गेट्स को कोडिंग्स में इंटरेस्ट था, उन्हें कंप्यूटर वगैरह से काफी लगाव था। आइंस्टाइन को थ्योरेटिकल साइंस से काफी ज्यादा लगाव था। लेकिन क्या आपको पता है कि आपको क्या पसंद है? 90% लोगों को यही नहीं पता होता कि उन्हें बनना क्या है। बनना छोड़ो, उन्हें करना क्या है, उनका टैलेंट किस चीज में है, यही नहीं पता होता। इसलिए 99% लोग कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि वो बस ये सोचते रहते हैं कि मुझे कुछ करना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि सक्सेस किस फील्ड में करनी है। ये वीडियो बनाने के लिए मुझे कहीं कोई साइट पे सर्च नहीं करना पड़ा सक्सेसफुल कौन होता है, सक्सेस कैसे मिलती है, सक्सेस कैसे की जाती है। मुझे पता है मैं भी सक्सेसफुल नहीं हूँ, पर मेरी ये डेडिकेशन और मेहनत मुझे उस रास्ते पे एक दिन जरूर लेके जाएगी। दोस्तों, डीमोटिवेट करने वाले तो इस दुनिया में बहुत मिलते हैं, लेकिन क्या आपको पता है सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या होती है? डीमोटिवेशन। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी मोटिवेशन डीमोटिवेशन होती है। और सबसे बड़ी कमजोरी भी आप इसी को मान लो। कमजोरी उनके लिए जो दूसरों की बातों में आके ये सोचने लग जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। और मोटिवेशन किन के लिए? मोटिवेशन उनके लिए जो दूसरों की बातों को बदलने के लिए वो काम कर दिखाते। जब भी आप कोई बड़ा काम करने जाते हो तो आपके दोस्त हमेशा आके आपको अटकाते। कई बार आप मान जाते हो उनकी बात और वो काम छोड़ देते हो, और कई बार आप नहीं छोड़ते। लेकिन अगर आपको खुद पे भरोसा है कि आप वो काम कर सकते हो ना, तो आप वो काम जरूर कर दिखाओगे। क्योंकि दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़ा मजा यही तो है, लोगों के मुंह बंद कराना। एक डरपोक आदमी दुनिया के डर से अपने निर्णय बदल दे, समझ जाना वो आदमी कभी सक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन जिस बंदे ने सक्सेसफुल बनना होता है ना, वो अपने फैसले नहीं बल्कि अपने फैसलों से दुनिया बदल देता है। बस यही थिंकिंग अगर आपके पास हो ना, आप उसी समय सक्सेसफुल बन जाओ। मुझे लगता है मैंने थोड़ी मोटिवेशन दे दी हो, थोड़ी सी एटलीस्ट। मेरा काम तो बस ये है आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर देना, ताकि कम से कम आप मेहनत करना शुरू कर दो। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।